गुड मॉर्निंग क्लास. सो टुडे वी विल मूव टू अवर पेपर नंबर 3, दैट इज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है या संगठन हिंदी में हम बोल सकते हैं. एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशन. स्कूल का क्या रोल है एजुकेशन में ऑर्गेनाइज करने को. स्कूल को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा. स्कूल का संगठन जो है किस तरह भूमिका निभाता है. एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी कंपेयरिंग द मल्टीपल पीपल सच एज इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन. इसमें क्या होता है कई लोग शामिल होते हैं. कोई एक संस्था एसोसिएशन समूह हो सकता है. इट इज द कलेक्टिव गोल ऑफ दिस इज लिंक्ड टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट. इनका एक गोल होता है कि बाहरी वातावरण से जुड़ा रहना होता है. द स्कोप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वास्ट. जो स्कोप है स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा विशाल है. इट इंक्लूड्स एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सिक्योरिंग बेनिफिट्स ऑफ द स्कूल थ्रू प्रैक्टिकल मेजर्स, क्लैरिफिकेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्कूल. स्कूल के जितने भी कार्य हैं उनको दक्षतापूर्वक व्यवहारिक रूप से और स्पष्टीकरण के साथ करना और प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग, गुड डायरेक्शन, एफिशिएंट एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन. एक प्रॉपर रूप से एजुकेशनल प्लानिंग करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का समन्वय करना, ध्वनि शैक्षिक योजना बनाना, अच्छी दिशा में कुशल व्यवस्थित निष्पादन करना. मतलब एक प्रॉपर वे बनाना, पढ़ाने का ढंग बनाना, एक करिकुलम तैयार करना, एक स्केड्यूल रेडी करना, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑल पर्पस जो भी चीज़ें हैं किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, वो सब इन सबको संगठित करके पहले सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करना. इट प्रोवाइड क्लोज कोलेब्रेशन एंड सेंस ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑर्गेनाइज पर्पस ऑफ द डायनेमिक अप्रोच वही है, संगठित उद्देश्य क्या है, एक दृष्टिकोण, गतिशील दृष्टिकोण होना. ठीक है. एनी ऑर्गेनाइजेशन प्ले वाइटल रोल इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा वाइटल मीन्स एक महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले अदा करती है. इट प्ले इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से प्ले करती है. इट लाइक ब्रिंग एफिशिएंसी लाना बच्चों में, मतलब दक्षता लाना. एंड गाइड प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट, PUPIL. ठीक है, बच्चों के लिए प्यूपिल वर्ड यूज किया जाता है. टू रिसीव राइट डायरेक्शन फ्रॉम द राइट टीचर, कि राइट टीचर से राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन लेना, मार्गदर्शन करना बच्चों का और टीचर मार्गदर्शन करेगी अच्छी तरह बच्चों का. अनेबल द पीपल टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम द लर्निंग, बेसिक एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, सोसाइटी. बच्चों को इस लायक बनाना कि वो छात्र, शिक्षक, माता पिता आदि से समन्वय लें. ठीक है. इट प्रोवाइड वेल डिफाइंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. वेल डिफाइंड पॉलिसीज हो मनुष्यों का विकास के लिए, उचित सामग्री का उपयोग करने के लिए. इट मेक यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मटीरियल, इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स. इफेक्टिव जो है बच्चों के सीखने की स्थिति, मनुष्यों का विकास, उचित सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए. द क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, अरेंजमेंट ऑफ द एक्टिविटीज, एफर्ट फॉर एंटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. मीन्स मानव गुणों का प्रभावी विकास हो, कार्यक्रमों का निष्पादन, गतिविधियों की व्यवस्था. मतलब सारी क्लियर आउट क्या हो रहा है पूरे क्वेश्चन में, कि ऑर्गेनाइजेशन स्कूल इस तरह से ऑर्गेनाइज करे, इस तरह से व्यवस्थित करे कि बच्चों का जो है विकास हो, शिक्षा उनको किस तरह से देनी है, अलग अलग डायरेक्शंस टीचर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ किस तरह से समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिठाना है. तो ये ऑल जो है, इट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इन द स्कूल. हमारे जो बुक है पेपर नंबर 3 है, इसका नेम ही यही है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन. तो स्कूल को ऑर्गेनाइज करना किस तरह से, किस तरीके से, वो ढंग जो है इसमें सिखाया जाएगा. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1.